हर्षोल्लास से हुआ दीक्षांत व शपथ ग्रहण समारोह। आरटीसी करेरा द्वारा नव आरक्षकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की कार्यशैली के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अभी नव आरक्षक बल की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि महानिरीक्षक प्रशिक्षण भारतीय पुलिस बल अशोक कुमार आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक आरटीसी सुरेंद्र खत्री के द्वारा भव्य परेड की सलामी ली गई तथा सलामी उपरांत परेड का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात इन नव आरक्षकों को राष्ट्रीय झंडे तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के झंडे के तले सच्ची श्रद्धा एवं कर्तव्य दृढ़ता एवं शौर्य निष्ठा से देश सेवा करने की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर आयोजित परेड द्वारा धीरे व तेज चाल से सलामी पंच के सामने से गुजरते हुए शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा लाइव प्रशिक्षण में आरटीएक्स का इस्तेमाल करके दिखाया गया। देखिए मुख्य अतिथि महानिरीक्षक अशोक कुमार ने दीक्षांत समारोह में क्या कुछ कहा। स्थापना का दिन 24 अक्टूबर 1962 माना जाता है और उस समय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पास सिर्फ चार वाहिनी थी, चार बटालियनें थी। और आज अगर हम बात करें तो पिछले 62 वर्ष में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पास 60 सर्विस बटालियन है, चार स्पेशलिस्ट बटालियन है, 17 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसके अलावे अन्य भी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो कुल मिलाकर के आज के डेट में 107 एस्टैब्लिशमेंट पूरी होती हैं। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सैनिक आज हमारे समक्ष सामने खड़े हैं उनके लिए ये सिर्फ आज का दिन सामान्य दिन नहीं है, एक ऐतिहासिक दिन है। और अपने करियर में जिस तरह से आपने पिछले 45 सप्ताह का अनुशासन प्रदर्शित किया है यहाँ पे, उस तरह से मैं यही कामना करूँगा कि अपनी सेवा काल में आप इसी तरह का अनुशासन कायम रखें, इसी तरह की पंक्चुअलिटी कायम रखें, इसी तरह से लगन और निष्ठा के साथ जो काम दिए जाए उसको करने की क्षमता विकसित करें अपने आप में, ताकि आपके साथ जो काम कर रहे होंगे आपके सीनियर्स या जूनियर्स वो भी आपको अपने नज़दीक पा करके कुछ नसीब महसूस करेंगे और लाभान्वित होंगे। और हर व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि आप उनके साथ जुड़ करके रहें और उनके साथ एक टीम के रूप में काम करें। और एक सैनिक की सफलता सभी चरितार्थ होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस बात को आज यहाँ